हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक और सबसे पहले आते हैं हम इसकी डेफिनेशन में। तो देखो, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की वो मिनिमम टोटल एनर्जी जिसके कारण इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलेजन होने से रिएक्शन होती है तथा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो इसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ गए बच्चों कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की वो मिनिमम टोटल एनर्जी जिसके कारण रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलेजन होने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, रिएक्शन चलती है और प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तब हम इस मिनिमम एनर्जी वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये हर एक रिएक्शन का एक एनर्जी बैरियर है, क्योंकि जब तक रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर लेता, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। समझ गए ना? तो यही डेफिनेशन लिखी है कि द मिनिमम टोटल एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पजेस एज टू मेक अ केमिकल रिएक्शन बाय कोलिजन। समझ गए होगे आप डेफिनेशन को, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द एनर्जी वैरियर फॉर ईच रिएक्शन बिकॉज रिएक्टेंट कैन नॉट चेंज इनटू प्रोडक्ट अंटिल नॉट क्रॉस दिस एनर्जी वैरियर। मतलब है कि जब तक इस एनर्जी वैरियर को क्रॉस करके और रिएक्टेंट नहीं कर सकता, मतलब जब तक इस एनर्जी बैरियर को रिएक्टेंट क्रॉस नहीं करता, प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता। समझ गए बच्चों कि क्रिया कारक अणुओं की वह न्यूनतम कुल ऊर्जा जिससे वे परस्पर टकराकर रासायनिक क्रिया करते हैं, दहली ऊर्जा कहलाती है। यह अभिक्रिया का एक ऊर्जा रोधिका होती है, क्योंकि अभिकारक जब तक इस रोधिका को पार नहीं करता, उत्पाद में नहीं बदल सकता। तो इस तरह से ये एक रिएक्शन का एक एनर्जी बैरियर है, एक तरफ जिसके रिएक्टेंट है तो दूसरे तरफ प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेता है, अर्थात जब अपनी टोटल एनर्जी को, ठीक है, अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर कर लेता है, तभी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में। अब हम अगर नीचे देखें इसमें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे, प्लस एनर्जी पजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट ग्राउंड स्टेट। और उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी है वो, और उसको अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्टिवेटेड स्टेट तक पहुंचने में कितनी एनर्जी लगी, एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों का सम ही क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा। मतलब दहली ऊर्जा बराबर सक्रिय ऊर्जा प्लस सामान्य अवस्था में अणु की ऊर्जा, जिसका सिंबल हम लेंगे डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड। मतलब एक सामान्य अवस्था में जो अभिकारक की ऊर्जा होती है वो उसकी लगभग संभवन एंथैल्पी के बराबर होती है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर। अब हम आ जाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट से, जो एक जनरल, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर में जो उनकी स्टेट थी, उस स्टेट से और अपनी एक्टिवेटेड स्टेट तक पहुंचने के लिए जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, वही उनकी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, जिससे उनकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है।
तो इस एनर्जी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है वही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए ना कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब वो एनर्जी बच्चों जो मॉलिक्यूल की सामान्य अवस्था से, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की सामान्य अवस्था से उनकी सक्रिय अवस्था तक पहुंचने के लिए जरूरी होती है, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स द्वारा एब्जॉर्ब की गई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे उनकी टोटल एनर्जी जो है किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, तो उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए ना। तो इस तरह से यही मैंने और आगे लिखा है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हिच अप्रोचेस एक्टिवेटेड स्टेट फ्रॉम नॉर्मल स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब हम नॉर्मल स्टेट में थे और उन्होंने अपनी एक्टिवेटेड स्टेट पाने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब की, उसी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही क्या बोला गया है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, देहली ऊर्जा है, वो किसके बराबर होगी, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट ग्राउंड स्टेट, जो उनकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो, और एक्टिवेशन एनर्जी, इनका सम ही क्या है, ईटी। तो हम ई ए इक्वल टू लिख सकते हैं ईटी माइनस डेल्टा एच एफ। अगर हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी पता हो तो हम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी का माइनस करके। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट करें। अब देखो हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखो यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी लें, रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, और यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, मतलब कितनी रिएक्शन चल चुकी है, चल रही है वो लें। और यहां देखें आप कि यहां है रिएक्टेंट्स ए और बी, मान लो दो रिएक्टेंट्स हैं, उनकी जो टोटल एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की वो कहलाएगी डेल्टा एच एफ रिएक्टेंट, ठीक है, मतलब ये इनकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। फिर इन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे के बीच में कोलिजन हुआ या उन्होंने बाहर से कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब की, मतलब रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हो गई चलना, तो धीरे धीरे उनमें कोलिजन हुआ और वो आपस में ही क्या होने लगते हैं, कोलिजन करके और अपनी एनर्जी को बढ़ाते जाते हैं। ध्यान रखें कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट्स के, वो सबके सब एक साथ एक्टिवेटेड नहीं होते, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ही अपने चारों तरफ से एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, कोलिजन करते हैं और इस तरह से धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, एक्टिवेटेड। और एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर उनकी जो स्टेट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की आ जाती है, और जहां पर इनकी जो एवरेज एनर्जी है वो दोनों, अर्थात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होती है, उनको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो यहां तक, यहां से लेके मतलब एक नॉर्मल स्टेट, यहां से हम देखें नॉर्मल स्टेट से और एक्टिवेटेड स्टेट का, ये जितनी उन्होंने चाहे कोलिजन से चाहे कहीं से भी एब्जॉर्ब की जो एनर्जी, वही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो इनकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी और जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इन दोनों का ये जो सम है ये टोटल है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसलिए हमने देखा था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी का सम थी। तो इस तरह से यहां दिख रहा है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब रिएक्टेंट जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था वो जब प्रोडक्ट में बदलेगा तो उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कंडीशन में है। अगर मान लो रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हम कहें कि यहां पर प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, और अगर हम तो ये क्या हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, अगर एंडोथर्मिक है और यहां पर ये क्या हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एक्सोथर्मिक होगी तो जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो रिएक्टेंट्स की
ग्राउंड स्टेट एनर्जी से कम हो जाएगी। जबकि अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो उनकी जो रिएक्शन है, ठीक है, मतलब उनकी जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा रहेगी और इस तरह से यहाँ आएंगे। तो इस तरह ये ग्राफ अलग अलग भी ले सकते हैं, एक तरह समझ सकते हैं, एक ही ग्राफ से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं कि डेल्टा एच आर क्या है। तो देखो ये है रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट एनर्जी और ये है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की माइनस कर दें, अब जो एनर्जी चेंज आएगा वो कहलाता है रिएक्शन एंथैल्पी। तो अगर बहुत से प्रोडक्ट्स हैं तो समीशन लगा दें, एक है तो एक के बेस पे ले लें। तो इस तरह से हम इससे निकाल सकते हैं रिएक्शन एंथैल्पी। डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड पॉजिटिव होगा इसके लिए, अगर आप देखें तो एंडोथर्मिक, क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है डेल्टा एच आर प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट्स की कम है। लेकिन अगर हम डेल्टा एच आर, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और वो कब होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझ गए ना। तो इस तरह से हम रिएक्शन की एंथैल्पी इस डायग्राम से देख के भी पहचान सकते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये दूसरे से रिलेटेड है। अब आता है, एक होता है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, मतलब टोटल रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से कितने मॉलिक्यूल्स जो है एक्टिवेटेड स्टेट में, अर्थात वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, इस एनर्जी बैरियर को पार कर सकते हैं। तो वो होता है n स्मॉल n अपॉन कैपिटल n इक्वल टू x फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। इसका एक फार्मूला होता है x इक्वल टू, ठीक है, e का पावर माइनस ea अपॉन rt, जहां ea तो लॉगरिथम बेस है, ea है एक्टिवेशन एनर्जी, r और t है रिएक्शन का टेंपरेचर। हम इसे log 10 बेस पे ले लें तो ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें टेंपरेचर और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी पता हो तो हम वो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं जो एक्टिवेटेड स्टेट में होगा। यहां n है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट और कैप, ये जो कैपिटल n है वो टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये एक रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, अर्थात ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और वैसे भी आप इन सब की यूनिट रख के देख लो, कोई यूनिट नहीं बचेगी। तो इससे हम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको नोट करना है, तो इस डायग्राम को बनाना है। अब हम आते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में, सक्रियक संकर। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनकी जो एनर्जी है, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, वो उनकी नॉर्मल स्टेट में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनकी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है, अर्थात इनकी जो टोटल एनर्जी है उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है। तो ऐसी स्पीसीज जो बनती है उसे बोलते हैं क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब है कि एक्टिवेटेड स्पीसीज हूज एवरेज एनर्जी हायर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इन दिस कॉम्प्लेक्स टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स इक्वल टू दी बिकम मॉलिक्यूल्स बिकम इक्वल, ठीक है, इक्वल्स टू दी थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब उस समय जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो टोटल एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है। तो ये स्पीसीज कहलाती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। पहला कि इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच की स्टेट है, ना तो ये कंप्लीट रिएक्टेंट है ना ही कंप्लीट प्रोडक्ट है, बस एक बीच की स्टेट है। और इसी के बाद ही इनका या तो कन्वर्जन रिएक्टेंट में हो सकता है या कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो सकता है, समझ गए ना, इस तरह से। तो ये एक ऐसी स्टेट है जो दोनों तरफ रिटर्न हो सकती है। लेकिन अगर एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में बदल गया और इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो फिर रिटर्न नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम ये कहें कि ए प्लस बी, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है और फिर क्या बन जाता है, और इस तरह से ऐसा ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया और फिर ये किस में बदल गया, प्रोडक्ट में। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं होगा, जबकि इनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। फिर आता है कि हाईली अनस्टेबल, हाईली एक्टिवेटेड, हाईली एनर्जेटिक स्टेट, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगी, सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड स्टेट होगी और सबसे ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट है।
ठीक है। तो इस तरह से अत्यधिक स्थायी सक्रिय ऊर्जा युक्त इनका हाफ लाइफ बहुत कम होता है और फिर इस जो है इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट में। फिर आता है कि डिटरमाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड आल्सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो जब तक ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो रिएक्शन किस काम की, तो इसका मतलब है कि जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो कन्वर्जन रेट है वो इस पर डिपेंड करेगा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने जल्दी बन रहा है। जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी रिएक्शन चलेगी। तो इसका मतलब है कि ज्यादा बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो ज्यादा रेट होगी रिएक्शन की। तो इस तरह से वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। ऑल्सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए कितने रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं, उनकी कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो इस रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने की, उसी के बेस पर उनका ऑर्डर होता है। अगर दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने में तो सेकंड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, इस तरह से। तो ये ऑर्डर को भी डिटरमाइन करते हैं। जो ये एक्टिवेटेड स्टेट है इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों एक साथ चल रहा होता है। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन दिस स्टेट। मतलब इसमें बंध निर्माण और वियोजन एक साथ चलता है। जरा सा ज्यादा स्ट्रांग हो गए बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, अगले नए जो न्यू बॉन्ड्स है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, वो ब्रेक हो गए तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए। तो इस समय वो स्टेट होती है जहाँ जरा सी एनर्जी चेंज इनको या तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकती है या प्रोडक्ट में। और ये बता दूं कि नेक्स्ट पॉइंट अगर हम और लिखें तो इस तरह से यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ है कि जो एक्टिवेटेड ठीक है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑलवेज ठीक है एंडोथर्मिक। ध्यान रखें कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनना हमेशा एंडोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक ठीक है पहुंचने में हमेशा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन चलता है। इसके बाद प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो ज्यादा है रिएक्टेंट से या कम है, इसके बेस पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना हमेशा एंडोथर्मिक होगा। समझ गए बच्चों कि सक्रिय संकर का बनना ऊष्मा शोषी होगा ये इस तरह से, और इन एक्टिवेटेड ठीक है कॉम्प्लेक्स पार्शियल बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स जो हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना चुके होंगे तो उस समय रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के बीच में एक पार्शियल बॉन्डिंग होगी, जैसे H2 और हम ये कहें I2 ठीक है 0.74 एंगस्ट्रॉम 2.66 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा उस समय इन एटम्स के बीच में एक पार्शियल बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो जाती है। जैसे ये 76 एंगस्ट्रॉम का तो ये 2.95 एंगस्ट्रॉम का हो जाता है और ये क्या बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इनके बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा, फिर ये क्या होगा ये बन जाएगा क्या H2 और प्लस क्या I2 ये चेंज हो गया 2HI प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तब तो इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन इररिवर्सिबल में यहां केवल इक्विलिब्रियम हो सकता है, आगे फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इनमें जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में पार्शियल बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब ब्रेकिंग और मेकिंग सब एक साथ चल रही होती है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, तो आप इसे नोट कर लें। तो ये था मेरा एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।